तो बजाज फाइनेंस कंपनी का स्टॉक का प्राइस का टारगेट क्या हो सकता है? तो इसका अगर अपर टारगेट के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो इसका जो अपर टारगेट रहेगा वो रहेगा दोस्तों 6,985 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। पर उसके बाद बीच में इंटर ट्रेडिंग करके इतना अच्छा खासा बेनिफिट कमा नहीं पाओगे दोस्तों, और मैक्सिमम चांसेस है ये स्टॉक दोस्तों 7,000 को हिट कर सकता है दोस्तों, ठीक है। पर उसके बाद भी 7,000 रुपीज़ को भी हिट कर ले दोस्तों, तो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा जितना ज़्यादा दूसरे स्टॉक पर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होगा दोस्तों, ठीक है। पर उसके बाद भी दोस्तों पैसा आपका है तो खुद एनालिसिस करके पैसा लगाओ। और इसका अगर लोअर टारगेट के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो 6,900 रुपीज़ इसका लोअर टारगेट रहेगा। पर उसके बाद भी पैसा आपका है तो खुद एनालिसिस करके पैसा लगाओ, क्योंकि किसी भी फील्ड पर अगर आपको लॉन्ग टाइम तक टिके रहना है तो उस फील्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही नहीं दोस्तों काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। और कभी भी किसी से उधार लेके पैसा स्टॉक मार्केट पर मत लगाओ, क्योंकि इसके वजह से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को फेसेस करना आपको पड़ सकता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।